अरे यार इंडिया बना ही नहीं है सोलो ट्रिप के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे एक लोग का खाना ही नहीं मिलता है ही नहीं, वो कल्चर ही नहीं है एक लोग का। मैं गया गोवा में, एक जगह मैं हांडी चिकन ऑर्डर दिया, ठीक है, फिर मैं 3 दिन गोवा में हांडी लेके घूमा। मेरा नाम मेरा बहुत बुरा, तुम लोग का लाइफ में कभी बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है या किसी भी चीज़ से हुआ होगा सबका, मेरा भी बहुत बुरा, मेरा ना ब्रेकअप हुआ, मेरा बहुत ही गंदा ऐसा हुआ, मैं एकदम बिखर गया यार। मैं सोचा मैं करूँ क्या, फिर मैं गया अपने दोस्तों के पास, मैं कहा भाई क्या करना चाहिए, मेरा लाइफ ही आगे फंक्शन नहीं कर रहा है। कह रहा देख तू लाइफ में अकेला हो ही गया है और तेरे को लाइफ अगर आगे मूव ऑन करनी है ना तो तू सोलो ट्रिप कर ले। मैं कहा ये क्या जले पे नमक छिड़कना हुआ यार। कह रहा नहीं सोलो ट्रिप में ना तू खुल जाएगा, अपने आप को नया डिस्कवर करेगा, और ऐसा नहीं तू जा अकेले जा हॉस्टल में रुक, तेरे को अदर ट्रैवलर्स मिलेंगे, और वो जब मिले ना तो उनसे ये सब मत पूछना आप क्या करते हो कहाँ से आओ, उनसे पूछना व्हाट्स योर स्टोरी। मैं कहा ये तो पूरा मूवी की स्क्रिप्ट लग रही है। और कुछ लोग होते हैं ना अपने बारे में बताने लगा, कह रहा अरे तेरे को मेरी एक्स गर्लफ्रेंड याद है, मैं कहा मैं तेरे लाइफ में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कह रहा नहीं निवेदिता याद नहीं है, वो बहुत सोलो ट्रैवल करती थी, उसको अपना नया बॉयफ्रेंड भी सोलो ट्रिप पे ही मिला। अब ये सुन के मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया, अच्छा ये सब भी हो रहा है, मैं कहा ये अच्छा है वॉच वॉच मेरे से कह रहा नॉर्थ कोरिया चले जा। मैं कहा तू पागल वगैरह क्या, मेरे को सोलो ट्रिप करके वापस भी आना है, नॉर्थ कोरिया चले जा। मैं कहा इतना चूतिया नहीं हूँ मैं जहाँ गया हूँ मैं वहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यार गोवा गया क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ, तो मैं गोवा गया सोलो ट्रिप का, ये लोग बोले मैं हॉस्टल बुक किया, मैं गया, मैं एयरपोर्ट पे उतरा, मैं हॉस्टल की कैब बुक किया, मेरे को 3,000 रुपये दिखाया, वहीं पे मेरी सोलो ट्रिप खराब हो गई। क्योंकि यार तुम्हें पता नहीं है पावर ऑफ शेयरिंग, 5 लोग में डिवाइड हो जाता है, ये कौन बताएगा कि आप सोलो ट्रिप पे जाओगे तो गरीब हो जाओगे, ये डिस्क्लेमर 1 होना चाहिए। मैं जो तुम भेज दिए व्हाट्स योर स्टोरी ये पता ही नहीं मेरे को, मैं पूरा गरीब फील हो रहा मेरे को। और मैं गया ना कैब में बैठा, मैं 10 मिनट कैब में बैठा ना, मेरे को अपने बारे में बहुत बड़ी चीज रियलाइज हुई कि मैं कोई भी इमोशन ना सिंगल हैंडेडली इंजॉय नहीं करता हूँ। मेरे को ना किसी को हाईफाई देना है, कुछ भी हो रहा फनी। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं जैसे जा रहा एक बीच पे गया, वहाँ पे कुत्ता हग रहा था, ये फनी नहीं है, पीछे से एक अंकल आए अपने बेटे को लेके और एग्जैक्ट वहीं फेंके उसके मुंह पे टट्टी वट्टी, कितना फनी है ये, पर मेरे को मजा ही नहीं आ रहा है, मेरे को किसी को हाईफाई देना, मैं जाके अंकल को ही दिया। क्या काम किया, गुस्सा हो गया बुढ़ा, कह रहा है अरे यार टट्टी तो साफ कर ले। मैं कह अरे यार और यार इंडिया बना ही नहीं है सोलो ट्रिप के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे एक लोग का खाना ही नहीं मिलता है ही नहीं, वो कल्चर ही नहीं है एक लोग का। मैं गया गोवा में, एक जगह मैं हांडी चिकन ऑर्डर दिया, ठीक है, फिर मैं 3 दिन गोवा में हांडी लेके घूमा। वो खत्म ही नहीं होती यार, बोट पैरासेलिंग वाला मेरे को कह रहा हांडी रख दो, मैं कहा नहीं ये भी उड़ेगी यार, तो समझ नहीं रहा मैं अकेला हूँ यार। मैं कहा ठीक है, मैं हॉस्टल गया यार, हॉस्टल गया वहाँ पे मेरे को कोई भाई नहीं दे रहा, ये सारी स्टोरी बकवास है, तुम्हें पता है कभी मत जाना कोई वहाँ, जर्मनी के 3-4 लोग आए थे 6-6 फीट के, उन्हीं को भाव मिल रहा है। फिर मेरे को याद आया निवेदिता तो लड़की है, उसको तो इतना भाव हर जगह मिल रहा होगा, मैं चूतियों की तरह इनकी बात में क्यों आ गया। और मेरे अंदर ना यूपी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब मेरे को मिलता भी कम भाव इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, आपको पता है वो गेम, लोगों का असली गलीचियत उसमें बाहर आता है। असली लोग उसमें, और लोग एक दूसरे से यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट्स योर बॉडी काउंट, कहाँ कहाँ सेक्स की हो बता दो, किसके किसके साथ की हो बता दो। अरे ये क्या जानना है यार, मेरे पूरा माहौल यही चल रहा है। जब मेरे ऊपर आया ना, मतलब मेरे को 2-4 लोग से क्वेश्चन पूछना था, तो मैं उनसे उनका पैकेज पूछा। क्योंकि मेरे को नहीं जानना तू कहाँ सेक्स कर रहा है, मेरे को ये जानना है तू गुची का टी शर्ट कैसे पहना है। तो वो लोग निकाल दे गेम से, मेरे को कहा भाई ये सब नहीं चलता भाई, यार तुम लोग को आते ही नहीं खेलना। तो मैं फिर सोचा चलो यार व्लॉग बोला था व्लॉगिंग बनाओ, मेरा चैनल भी है, तो मैं कहा चलो व्लॉग बनाते हैं अदर ट्रैवलर्स के साथ, पर कोई आ नहीं रहा था, मैं अपना स्टार्ट किया व्लॉग,
तो एक बंदा खुद ही आया मेरे पास, मैं कहा चलो यार कोई बंदा ही इंटरेस्ट ले रहा है, वो आया, मैं ब्लॉग बनाया, मैं उसको ब्लॉग पे अपनी पूरी स्टोरी बताया, फिर मैं पूछा भाई व्हाट्स योर स्टोरी, तो बोला भाई मैं हरियाणा से हूँ और 6 दिन पहले ना मेरी लड़ाई हो गई थी, तो गलती से मेरे से 2 लोग का मर्डर हो गया तो मैं इधर छिप रहा हूँ, तो ये तू जो ब्लॉग बना रहा है ना इसको डिलीट कर दे, क्योंकि इंडिया में 2 मर्डर और 3 मर्डर का एक ही है। मैं कहा यार तेरे को कहीं और खुफिया जगह जानी चाहिए, कह रहा भाई ये हिडन जेम्स ऑफ गोवा था, ये ब्लॉगर लोग साले हर जगह हिडन जेम्स, तुम देखा इनको बेंच, ये ब्लॉगर रहते ओसामा बिन लादेन कब का पकड़ा गया होता उसके घर पे जा रहे थे हिडन जेम्स, ये लाहौर का हिडन जेम्स, अरे यार तू कहीं तो छोड़ यार। मैं कहा ना, और यार उस हॉस्टल की सबसे बुरी चीज वो लोग बंक बेड देते हैं यार सोने के लिए, तुमको पता है बेड के ऊपर एक बेड जिसका निचला माला यहाँ होता है, ऊपर वाले माले से आप स्काई डाइविंग कर लो इतना ऊंचा, और यार बेड का काम ये होता है कि एक साइड वॉल होनी चाहिए ताकि गिरने का डर एक साइड हो, बेंचो बीच में खड़ा करके रखे हुए फट रहा है यार उतने ऊपर सोने में, यार दोनों जगह से इनसिक्योरिटी हो रही है, और नीचे 6.5 फीट के एक सांड को लेटा हुए हैं वो जर्मनी वाले बंदे को, और मेरे को पता नहीं यार कि उसमें सिंक में करवट लेना है, अगर वो नीचे लेफ्ट ले रहा है तो मेरे को लेना पड़ेगा वरना मैं गिर जाऊंगा, ये मेरे को कौन बताएगा, 3-4 बार गिरा मैं तो फिर मैं नीचे उतर के उसको बोला ना भाई तेरे को हिटलर की कसम है हिलना मत, करा हिटलर है तो फिर नहीं पर मैं बोला ना वो लोग बहुत कूल होते हैं, वो भाई एक लड़की पटा लिया था 1:30 बजे, वो लड़की उसके बेड पे आ गई, फिर वो दोनों जो हिले तुम समझ, तुम यार मैं, तुम लोग एक्ट 2 का पॉपकॉर्न कुकर में बनाए हो, मैं जो वैसे उड़ रहा था ऊपर, मैं कहा मैं लाइफ में सेक्स किया हूं पर ये ऐसे कुछ नहीं हुआ है आज तक, कुछ ऐसा देखा भी नहीं मैं काम। तुम लोग कॉन्जरिंग मूवी देखे हो, कॉन्जरिंग भूत ऊपर ऐसे चिपका रहता है ना, मेरे को लगा लड़की यहाँ चिपकी हुई है मेरे, मैं कहा ये चल क्या रहा है भाई, मेरे को डर लग रहा है मेरे में ना पेनिट्रेशन हो जाए, जितना वो गद्दा भी पतला होता है यार, मैं डर रहा हूँ ये बंदा रुकेगा कि नहीं रुकेगा। मैं नीचे उतर के पूछा भाई व्हाट्स योर स्टोरी यार, ऐसा सो जा मेरी स्टोरी मत सुन नहीं सह पाएगा वो पूरी ट्रिप में। यार जो भी हो सिंगल ही गया था मैं, बहुत से एक्सपीरियंसेस तो लिया पर मेरे को ना एकदम मज़ा ही नहीं आ रहा था कुछ भी, मज़ा नहीं जा रहा हूँ घर, मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा, मैं कहा यार ऐसा क्या है कि मैं, मतलब मेरे को लोग ही चाहिए। तो फिर मेरे को याद आया मैं आज तक जितनी भी ट्रिप किया हूँ ना उसमें बस मैं एक ही चीज़ इंजॉय करता हूँ, वो पता क्या है आपको, स्प्लिट वाइज ऐप पता है उसमें एंट्री करना ही मेरा सुख है। जो लोग भी अमीर लोगों उनको पता नहीं होगा उसमें ना पाई पाई जोड़ सकते हो आप, पाई पाई पैसा तक जुड़ जाता है उसमें, और लोगों का मतलब मेरा क्या ना लोगों का नान मुंह में नहीं जाता, मैं ऐड कर देता हूँ वो वाला बंदा हूँ मैं, उस ऐप का नोटिफिकेशन ना दिल पे लगता है, अब क्या आया यार, और लोग इतने हरामी है जो लोग उस ऐप को ना वेपन की तरह यूज करते, वेपन, अरे तू मेरा बियर भूल गया था मैं तेरा नान ऐड किया तो भैंचो रात में 2 बजे उठ के मेरी बियर क्यों जोड़ रहा है यार ये? ये दुश्मनी क्या है यार, ये क्या दोस्ती है मेरी तेरी। मैं अपने बनारस के एक दोस्त को ना इस ऐप के बारे में बताया, वो ऐसे गांव में रहता है, उसको तो अलग ही हथियार मिल गया है, वो पागल हो गया भांचो, क्लास 8 का मिरिंडा जोड़ रहा है, कुछ का
सोच. रात में 2:30 बजे आ जाता रैंडम पूरी सब्जी एडेड. अरे कब खाए थे, कब क्लास 9-10, जो मन जो जोड़ दे रहा. और उस ऐप में सबसे बुरी चीज है, लोगों को नेमिंग कन्वेंशन नहीं आता. लिटरल लिखते हैं ग्रुप का नाम. अरे तुम समझ के लिख भाई, क्या ग्रुप का नाम लिख रहा है. वो ऐड होता है, दिखता है भाई, वो नोटिफिकेशन में दिखता है वो. लास्ट ईयर मेरे राहुल एक दोस्त है, उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी. हम 3 लोग कैब से उसके घर गए. ये लोग इतना एक्साइटेड हैं कि उसके घर भी नहीं पहुंचे, ये लोग ग्रुप बना दिए थे, राहुल ग्रैंडफादर डेथ कैब. देख के लग रहा है हम ही लोग उड़ाए हैं कैब से. और इतना एक्साइटेड थे, इतना एक्साइटेड राहुल को भी ऐड कर दिया. वो अलग कंफ्यूज घूम रहा है, दादा मरा मरा ये 80 रुपया क्यों ऐड हो रहा है.